हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे नारियल मलाई केक। फ्रेंड्स, ये जो नारियल मलाई केक है हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स, आप इस केक को किसी भी ओकेजन्स पे बना सकते हैं, बर्थडे पे बना सकते हैं, या फिर आपका कुछ अच्छा मीठा खाने का मन हो रहा है ना, तब भी आप ये केक बना सकते हैं। इस केक का बहुत ही शानदार टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही शानदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं शानदार सा हेल्दी नारियल मलाई केक। नारियल मलाई केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/2 कप हमें चाहिए शुगर पाउडर, 1/4 कप हमने लेना है घी। घी की जगह आप क्या ले सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। 1/3 कप हमने लेना है मलाई और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल इस तरह से कट करके लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में ये फ्रेश नारियल हम डाल देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप नारियल को पहले इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। हमने नारियल को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है। तो ध्यान रखें, आपने सिर्फ हल्की सी मिक्सर चलानी है, उसके बाद आपने चेक कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नारियल को ग्राइंड कर लिया है, इतना दरदरा हमने नारियल को ग्राइंड करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक पैन, आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं, और इसमें हमने डालना है ये नारियल। तो ये जो ग्राइंड किया हुआ नारियल है फ्रेंड्स, इसे हमने सेकना है। कब तक सेकना है, 4 से 5 मिनट तक हम इसे सेकेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकते रहेंगे और चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा नारियल जो है वो सिक चुका है। हमने इस नारियल का ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हमने सेकना होता है। तो अब हमारा नारियल जो है वो तैयार है, सिक चुका है अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सेकेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ अब हम लेंगे केक टिन और केक टिन में ऑयल या घी, आपने जो भी स्प्रेड करना है स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर से भी हम यहाँ पे ऑयल जो है वो स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा केक टिन भी तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे आज मैं केक जो है वो कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस तरह की कढ़ाई ली है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो वो आप कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कढ़ाई जो है वो हैवी बॉटम वाली हो, भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए। कढ़ाई के अंदर हम रखेंगे इस तरह का स्टैंड, इसे हम कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे प्रीहीट कर लेंगे। जब तक चलते हैं और बनाते हैं हमारा केक का बैटर। केक का बैटर बनाने के लिए हमने लेना है बाउल और बाउल के अंदर हमने डालना है 1/3 कप मलाई। बेसिकली हमारे घर में जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है वही मलाई हमने लेना है फ्रेंड्स। यदि आप इस मलाई को चम्मच से मेज़र करेंगे तो 3 चम्मच के करीब ये मलाई है। मलाई के साथ साथ यहाँ हम डाल रहे हैं 1/4 कप घी। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 1/4 कप ऑयल भी ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं, तो जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ अब बारी आती है शुगर पाउडर डालने की, तो यहाँ पर 1/2 कप शुगर पाउडर हमने लेना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, शुगर नहीं लेना, शुगर पाउडर ही लेना है। सिंपली आप शुगर को ग्राइंड करके ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का हैंड विस्कर ले सकते हैं और इस तरह के हैंड विस्कर की मदद से आप विस्क कर सकते हैं। और यदि आप इससे मिक्स करेंगे तो कम से कम आपको 6 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे। इसलिए आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बीटर, तो इस तरह का जो हैंड मिक्सर होता है इससे आज मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। यदि आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने इसे बीट कर लेना है अच्छी तरह से, जब तक बीट करना है जब तक कि ये जो हमारा मिक्सर है ये हल्का सा स्मूथ नहीं हो जाता, फ्लफ़ी नहीं हो जाता। हैंड मिक्सर से बीट करने में सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यदि आप विस्कर से बीट करेंगे तो आपको 6 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे। 2 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये जो मिक्सर है ये हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है, हल्का सा स्मूथ हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है यहाँ पे छलनी। छलनी में हम डालेंगे 1 कप मैदा, आज मैं यहाँ पे 1 कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के साथ साथ यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। साथ ही साथ यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 2 पिंच। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम छान लेंगे।
सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्किप नहीं करना है, तो फटाफट से इसे छान लेंगे। और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डालना है मिल्क। तो यहाँ पे आप जो मिल्क डालें वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है एक बार में। यहाँ पे आप बैटर बनाने के लिए विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ इसे बीटर से ही फटाफट से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया बीटर और मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिल्क और डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी। बीटर से यदि आप मिक्स कर रहे हैं तो हमने ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, सिर्फ जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। तो बीटर से मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वो बनके तैयार है। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने एक कप मिल्क लिया था और थोड़ा सा मिल्क बचा हुआ है, बाकी का मैंने पूरा मिल्क यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे अब हमारा बैटर जो है वो तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैटर की थिकनेस और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह का बैटर जो है वो होना चाहिए। तो हमारा बैटर भी तैयार है और अब हम क्या करेंगे, हमने जो नारियल को रोस्ट किया था ना, तो ये नारियल जो है वो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी का नारियल हम बचा लेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब नारियल डाला है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैटर जो है वो हल्का सा फ्लफ़ी है, बीटर से बीट करते हैं तो बैटर जो है वो ऐसा ही बनता है, बहुत ही शानदार बनता है। यदि आपके पास बीटर है तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब हम फटाफट से केक टिन में हमारा बैटर जो है वो डाल देंगे। तो सारा का सारा बैटर जो है वो केक टिन में हम डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो सारा का सारा बैटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसे हम स्पैचुला से इस तरह से इवन करेंगे, टैप कर देंगे इसे 2 से 3 बार कुछ इस तरह से, टैप करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो केक टिन है वो कढ़ाई में रख देंगे और हमने केक को 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करना है। आप चाहें तो 15 मिनट बाद एक बार चेक कर सकते हैं। जब तक हमारा नारियल केक बेक हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं नारियल केक के लिए फटाफट से नारियल वाली मलाई। नारियल मलाई बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली हमने लेनी है कढ़ाई। तो कुछ इस तरह की कढ़ाई हमने लेनी है, इस तरह से चौड़ी कढ़ाई लेनी है ताकि जो हमारी मलाई है वो बहुत अच्छी बने। और कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे मिल्क। यहाँ पे आज मैं 2 तरीके का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 1/2 किलो वाला जो दूध का पैकेट होता है मैंने वो लिया है, साथ ही साथ मैंने डेयरी वाला मिल्क भी 250 ग्राम के लगभग लिया है। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पैकेट वाला यूज़ कर लें या फिर डेयरी वाला यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रखना है लो मीडियम फ्लेम पर। और जब तक बॉयल करना है जब तक कि दूध की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही दूध की क्वांटिटी हाफ़ हो जाएगी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जो दूध की क्वांटिटी है वो हाफ़ हो गई है। हमने दूध को इतना ही बॉयल करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। तो दूध के अंदर सबसे पहले हम डाल रहे हैं केसर। यहाँ पे मैंने केसर को गर्म दूध में डाल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सारी की सारी केसर हम डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ हम डाल रहे हैं शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा कम शुगर डाली है। और अब हमने क्या करना है, हमने लेना है 1 बाउल और साथ ही लेना है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यदि आप कस्टर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पे जो कढ़ाई में मिल्क है मैं यही वाला मिल्क जो है वो कटोरी में डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कस्टर्ड भी तैयार है। तो यहाँ पे सारा का सारा कस्टर्ड हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया आप कस्टर्ड की जगह कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमने इसे बॉईल कर लेना है। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इस मिल्क को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 3 से 4 मिनट सफिशिएंट है। 3 से 4 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो मलाई है अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसे बॉईल नहीं करना है और ज़्यादा थिकन भी नहीं करना है, हमने इसे हल्का सा लिक्विड ही रखना है। साथ ही साथ अब बारी आती है नारियल डालने की। तो नारियल को हमने सेक के रखा था ना फ्रेंड्स, तो ये नारियल अब जाएंगे इस मलाई के अंदर, बाकी का नारियल हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए। नारियल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे हमारी नारियल मलाई बिल्कुल तैयार है। यदि आपको नारियल मलाई खाना है तो आप इसे इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बना रहे हैं नारियल मलाई केक। अभी हम क्या करेंगे, इस नारियल मलाई को ठंडा होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 25 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक भी बेक हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमारी टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो बेक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया है, और जैसे ही केक जो है वो ठंडा होता है वो केक टिन से अपनी साइड्स को छोड़ देता है। यहाँ पे मैं नाइफ़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको लगे तो आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली निकाल लेती हूँ, साथ ही साथ ये जो बटर पेपर है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक तैयार है, और अब हमने क्या करना है, तो हमने लेनी है इस तरह की फॉक, और फॉक से हमने इस तरह से होल्स कर देना है। आप चाहें तो टूथपिक से कर सकते हैं। होल्स करने में कंजूसी ना करें फ्रेंड्स, अच्छी तरह से होल्स करें ताकि जो मलाई है, हमने जो नारियल मलाई बनाई है, वो अच्छी तरह से केक में एब्जॉर्ब हो। तो होल्स करने में आपने कंजूसी नहीं करनी है। और अब बारी आती है इसमें नारियल मलाई डालने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये ठंडी हुई वैसे वैसे हल्की सी ये गाढ़ी भी हो गई है। मलाई को स्प्रेड करते समय आपने ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा और आराम से स्प्रेड करते रहें ताकि जो मलाई है वो केक में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती रहे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा मलाई डालना है, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ढेर सारा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो मलाई है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है, अच्छी तरह से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। और अब बारी आती है इसमें फाइनली गार्निशिंग करने की। तो इसे अब हम गार्निश करेंगे नारियल से। तो ये जो सिखा हुआ नारियल है वो हम एट लास्ट इसमें गार्निश कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फाइनली हमारा नारियल मलाई केक तैयार है। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही शानदार टेस्ट होता है फ्रेंड्स इसका। फ्रेंड्स, ये जो नारियल मलाई केक है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर फ्रिज में रख के आप ठंडा ठंडा इसे सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार आता है। तो जैसे चाहें वैसे खाएँ, ठंडा करके खाएँ या फिर नॉर्मल खाएँ, लेकिन इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।